नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं कुछ आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन लेकर आ गया हूँ वर्ग निकालने का, ठीक है। तो इस पे देखिए, जब इकाई अंक 5 हो, ठीक है, इकाई अंक जब 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। उसका वर्ग निकालने का तरीका, ठीक है। चलिए इसका कुछ ट्रिक ट्रिक से आपको सिखाते हैं कि कैसे, अगर जब इकाई अंक 5 हो तो हम लोग कैसे उसका वर्ग आसानी से निकालेंगे ट्रिकली तरीके से, ठीक है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर विजिट करके अवश्य देख लें। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 हम आपके लिए अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, ये पार्ट 2 है वीडियो का, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे हमारे इकाई स्थान, इकाई दहाई तो आपको पता होगा ना। जैसे मान लीजिए 2, 3, 2, 4, 5, 6 कुछ भी अंक है, तो ये इधर से दाहिने साइड से आते हैं हम लोग। तो ये पहला जो होता है इकाई अंक, दूसरा दहाई, तीसरा हजार, और ये तीसरा क्या होता है सैकड़ा, उसके बाद हजार। इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे चलता है, ठीक है। दाहिने साइड से आते हैं तो ये इकाई 6 हो गया, इकाई अंक कितना है 6, दहाई अंक 5, और सैकड़ा के स्थान पे 4, और हजार के स्थान पे कितना है 2, ठीक है। तो इसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा समझ गए होंगे कि इसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया 5, ठीक है, और दहाई अंक कितना है आपका ए है। मान के चलिए आपको मैं ट्रिक बताता रहा हूं ना, तो इसका वर्ग दोस्तों निकालना हो, तो इसका वर्ग निकालना हो तो आप जानते कैसे करना है। तो इस 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है, और इस ए का वर्ग जो होगा आपको करने के लिए क्या करना है कि जब इसका वर्ग हम लोग निकालेंगे तो इस ए में यहाँ पे जो संख्या है इसमें हम एक यहाँ पे बढ़ाकर, ठीक है, उससे हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, बस वर्ग आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिए आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 25, ठीक है, इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं 25, इसका मुझे वर्ग निकालना है, तो वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना, यहाँ पे तो आप लोगों को बता दिया गया 25, आपको कुछ करना नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें जो है आपका दहाई अंक जो संख्या है उस दहाई में एक बढ़ा देना है, क्या करना था एक बढ़ा देना था, 2 × 1 कितना हो गया 3, और इसको क्या करना था इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 3 × 6 हो गया ना 625, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए 35 का वर्ग निकालना है, 5 है ना स्थान पे, तो 5 का वर्ग करना है तो 25, देखिए यहाँ पे 25, ठीक है, और इसमें एक बढ़ाना है आपको, इसमें 3 है ना तो 1 4 कर दिए, एक बढ़ा देना था ना, एक बढ़ा के 3 × 1 = 4 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 4 कितना हो गया 12 बन गया, तो 35 का वर्ग 1225, ठीक है। और भी संख्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए जैसे 45 का वर्ग, ठीक है, तो 45 का वर्ग क्या, तो 5 का वर्ग क्या हो गया 25, और यहाँ पे 4 है ना तो उसमें एक बढ़ाइए, तो 5, अब 5 में 4 से गुणा करिए 5 × 4, जैसे कि 5 में 4 है, 4 में एक बढ़ाइए क्या होगा 5, ठीक है, 5 हो गया ना, इस 4 में हमने एक बढ़ाया तो 5 हो गया, तो इस 5 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 20, 5 × 20। तो इस तरह से आप इकाई स्थान पे अगर 5 होगा तो इसको हम लोग एकदम बहुत ही इजी तरीका से वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे और भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए और संख्या में ले लीजिए, आप ले लीजिए 55 का वर्ग निकालना, ठीक है, तो 5 का है ना लास्ट में, तो 25 लिख देना था, ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है। अब इसके बाद में इसमें एक आपको बढ़ाना था, 5 × 1 कितना होगा 6, तो 6 × 5 कितना हो गया 30, तो बस 55 का वर्ग करके देखिए आपका 3025 यानी 3025 होगा, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए 65 का वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग कितना हुआ, तो 5 × 25, और इसमें आपको 6 दिख रहा है ना, आपको एक बढ़ाइए तो 7, और इसको गुणा करिए तो 6 × 7 कितना हो गया 42, 42 × 25 क्या 65 का वर्ग 42 × 25, सिंपल। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 75 का वर्ग, ठीक है, तो 5 का वर्ग क्या हो गया 25,
और सात में एक बढ़ाइए तो कितना हो गया, आठ, आठ सत्ते 56, बस इसका वर्ग निकल गया 75 का वर्ग, 56, 25। ठीक है, इस तरह से और भी संख्या, जैसे मान लीजिए आप लेते हैं जैसे 85 ले लीजिए, ठीक है, इसका वर्ग निकालिए तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, और इसमें एक बढ़ाना था ना, 8 है कितना गया 9, गुना करिए 8 9 72। ठीक है, बस सिंपल। जैसे और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 95 का वर्ग निकालना है दोस्तों, तो देखिए करना क्या है आपको, बस 5 का वर्ग तो 25 आपको लिख देना है, इसमें 9 में एक बढ़ाइएगा 10, 10 नवा कितना होता है 90। अब ऐसा ही करते हैं, ठीक है, सिंपल है। जैसे मान लीजिए 105 का वर्ग निकालना है, तो 5 का है तो 25 लिख देना है, और 10 है ना तो 10 में एक 11 बढ़ाइए, 10 में एक बढ़ाइएगा तो 11, 11 में 10 से गुना, 11 दहा के 110, बस हो गया। इस तरह से आप कितना भी हो उसका वर्ग आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी संख्या आप चाहेंगे तो ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, मान लीजिए हमारा हो गया 125 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो देखिए 5 है ना लास्ट में, तो 5 लिख दीजिए, 25 लिख देना था, ठीक है, 5 है तो आपको क्या लिखना था 25, ठीक है, 25 लिखा गया, ठीक है, अब उसके बाद 25 लिखा गया, उसके बाद क्या करना है, 12 है दिख रहा है, 12 में एक बढ़ाएंगे कितना होगा 13, तो 13 अगुने 12 गुना करना है, तो 13 दुना 26 और 13 एकम 13, यानी कि 6 5 1 156, यानी 156, यानी कि 15625 आ गया इसका वर्ग, सिंपल। इस तरह से आप कितना भी संख्या लेकर आप वर्ग निकाल सकते हैं इजी तरीका से, बहुत ही आसानी ट्रिक है। इस तरह से आपके लिए और भी बहुत सारे ट्रिक लाता रहूंगा दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।